मैंने सोचा नहीं था। और ओ भाई, ये इस पहाड़ की बात कर रहा था मैं। और बहुत पार कर भाई, पार कर। अभी यहाँ पे उतर चुके हैं और मैकलोड की गलियों में हम दो बन जा रहे बंदे निकल रहे हैं। और यहाँ से पहले नहाने का मैटर देख रहे हैं भाई। गेस्ट हाउस है यहाँ? गेस्ट हाउस है, हियर आर रूम्स अवेलेबल। यहाँ पे भी आओ तो देखते हैं यार यहाँ से भाई, क्योंकि दिक्कतें तो बहुत है। क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद पहले नहाएंगे, नहीं तो ट्रैक कैसे स्टार्ट कर देंगे। भाई साहब भी बिल्कुल मजे लेते हुए कैंपिंग करते हैं यहाँ पे, ट्रैकिंग कर रहे हैं। ट्रैकिंग कर रहे हैं तुम बंदे रहे। तो भाई अभी कम से कम 1 किलोमीटर का ही मतलब ट्रैक क्या, वो बिल्कुल प्लेन रास्ता ही था। तो उसको करने के बाद अभी मतलब कि ना फ्रेश वगैरह नहीं होते, तो यहाँ फ्रेश होने के लिए भाई ये बिल्कुल मस्त सा लगा रखा है। मात्र 5-5 रुपये देने हैं 2 लोगों के, और भाई 10 रुपये में फ्रेश हो सकते हैं। और आगे जाके हम वाटरफॉल में नहाने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है एक्साइटेड। मतलब कि मैं तो भाई आज तक नहाया ही नहीं हूँ ऐसा। और क्या मैं नहाने के बात छोड़ो यार, मैं तो पहाड़ों में ही नहीं आया हूँ भाई। बहुत ज़्यादा ऐसा होने वाला है, पर सांस लेने में थोड़ी बहुत हल्की हल्की दिक्कत आ रही है मेरे को, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और भाई पीछे का व्यू देखोगे, ये देखो ये पीछे पहाड़ ही पहाड़ है। तो ये देखो ये पूरा पहाड़, सारे पहाड़ वगैरह हैं मस्त। तो भाई अब इसमें जा रखे हैं, आते हैं लोकेशन तो फिर हम आगे चलेंगे, फिर वहाँ नहाएंगे, उसके बाद अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो ये यहाँ पे है। यहाँ से आप यहाँ से नीचे आ सकते हो, और यहाँ से पैराग्लाइडिंग वहाँ तक की है। और भाई पता नहीं कितने रुपए लेते होंगे ये, ऐसा तो मेरे को लग रहा है भाई 500-700 रुपये लेगा यार। कितने दूर है ये, 50 मीटर भी नहीं है, लेकिन इतने में फटके चार्ज हो जाएगी। तो भाई ये ठंडे करने का जो जुगाड़ बना रखा है बहुत तगड़ा है। एडवेंचर कैफे बहुत तगड़ा है भाई, ये ठंडा हो रही है बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक सारी। फाइनली अभी हमने खाना वगैरह खा लिया, और जो मौसम देख रहे हो यहाँ से विजिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन भाई मौसम धीरे धीरे ख़राब हो रहा है और हम लेट भी हो चुके हैं। और ट्रैकिंग करने का मतलब ये है कि भाई सुबह सुबह चढ़ जाना चाहिए आपको, पर ऐसा मतलब कि यार बस ने लेट कर दिया 2 घंटे पहले ही, फिर तो उसके बाद से शूट वगैरह भी करना था उसमें भी लेट हुआ। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं फास्ट फूड कॉर्नर नाम से, भागसुनाग जो वाटरफॉल है ना उससे पहले ही ये कोने पर वो पड़ता है फास्ट फूड कॉर्नर। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो भाई रिकमेंडेड है पराठा भाई गजब, वो भी 60 रुपये में। दिल्ली में नरेना में साले 150 रुपये का पराठा देते हैं रात में, वो किसी मतलब का नहीं होता। अगर यहाँ आते हो तो भाई करो, बिल्कुल रिकमेंडेड है, खाओ यहाँ से यार बहुत मस्त है। ये है कोने पे, यहाँ से आप जैसे ही ये निकलोगे ना यहाँ पे कोने पे है ये फास्ट फूड कॉर्नर। तो ये भैया हमारे साथ, भैया
बहुत अच्छा पराठा था आपका। थैंक यू जी भाई, रिकमेंडेड है, यहाँ पे आओ और आप खाओ। ओके ठीक है भैया। अभी भाई ये पीछे रिवर से दिख रही है तुमको, उसको क्रॉस किया है कसम से भाई, बहुत तगड़ा सीन है। और ये जगह दिख रही है, यहाँ से 3 बार ऊपर नीचे किया भाई हम दोनों ने, मतलब ये 2 बंजारे का जो पहला ब्लॉग है ना, बहुत एडवेंचरस वाला हो गया भाई। और अब ऊपर जा रहे हैं, रास्ता देखो कैसा है। चढ़ाई की है और ये एक ये लिया भाई, क्योंकि चिल सा। और पीछे का व्यू चेक करो, बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा व्यू है। वहाँ देखो बादल ही बादल है भाई, कसम से बहुत तगड़ा है। और ये ले लिया हमने, और हमारे साथ ये भैया ने दिया है। भैया यहाँ पे मतलब कि आने में तो ये कैसे आता है यहाँ पे, खच्चर पे भाई, जिस रास्ते पे मतलब इंसानों को चलना हार्ड हो जाता है ना, उस रास्ते पे खच्चर पे भैया लाते हैं। तो भाई यहाँ पे जाहिर सी बात है यार, महंगी चीज़ें तो मिलेंगी लेकिन अफोर्ड करनी पड़ेगी आपको भाई, क्योंकि आप अगर इतना अच्छा सा खासा ट्रैक कर रहे हो तो। ये तो अभी नीचे तो कुछ नहीं, इसके ऊपर तो और महंगा ही होगा ये। नहीं भाई जी, ज्यादा रेट नहीं यार, वही 10-5 रुपये महंगा ही चलेगा इससे। हाँ वही भाई, जितना ऊपर जाओगे उतना महंगा होगा, क्योंकि भाई खच्चर से लाना पड़ता है और उसका किराया तो देना ही पड़ता है। और हम भक्सु नाग जो टेम्पल है वहाँ से हम अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर आए हैं, और भाई बिल्कुल ही हमने खाली 2 स्टॉप लिए हैं। हेलो किस भाई, 2 स्टॉप थे ना अपने खाली, 2 स्टॉप लिए हैं, बहुत चले हम, रुके नहीं है बीच में, रात को हालत होने खराब होने वाली है। सोच लो 80-85 किलो के बंदे जब 2 स्टॉप ले तो कितनी तेज चले होंगे। और बैग तो यार हम मतलब कि बहुत कम से कम एक एक बैग 10-10 किलो का होगा साला, 10 किलो नहीं तो 8 तो कोई काट नहीं सकता। 8-8 किलो के बैग लेके चढ़ रहे हैं और अपना 80 किलो का वजन बहुत तगड़ा है भाई, एडवेंचर है, लेकिन करना चाहिए यार लाइफ में एक बार, तो पता चलती है अपने स्टेमिना का, अपने तुम्हारे अंदर जो बची हुई हैं चीज़ें जो तुम दिल्ली में मोमोज चाउमीन खा के गवा रहे हो, एक बार यहाँ आओ। और लगभग आधे घंटे बाद भाई एक और स्टॉप लिया है, मैगी पॉइंट के नाम से कैफ़े है। और यहाँ से जो व्यू है, पता नहीं यार ये पोर्ट्रे कर पाएगा चीज़ों को कि नहीं, जो मैं देख पा रहा हूँ ये ना बादल है वो यार भाई, कैसे जा रहे हैं कसम से, बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा। और ये कैफ़े, और ये पीछे पूरा हिमाचल, ये पूरा हिमाचल है भाई कसम से। अब मेरे को ट्रैक अभी से स्टार्ट किया था ना भाई, ऐसा लग रहा था कि मैं वापस दिल्ली चले जाऊं, मेरे को नहीं करना ट्रैक, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था यार। और अभी तो ऊपर तो मेरे को लग रहा है बहुत तगड़ा नज़ारा होने वाला है, आंखों में धूप पड़ रही है भाई, पसीना भी हो गया बहुत ज़्यादा मेरे को, तो अभी ऊपर चलते हैं जब दिखाता हूँ। चलो धीरे धीरे शाम हो रही है, अभी भी नीचे ना, नीचे देखोगे कैमरा यार दिखा नहीं पाता, ये लोकल है ना फोन, नीचे देखोगे ना भाई बोला नहीं जा रहा मेरे से, बट ऊपर तो अब धीरे धीरे ठंड होना स्टार्ट हो गई है। और इतने भारी भारी बैग, ये 2 बंजारे बंदे, और इतना बड़ा पहाड़, यही तो एडवेंचर है मेरे ब्रा, यो नेवर गिव अप, क्योंकि मंजिल से ज़्यादा मज़ा ना भाई सफ़र का होता है, तो सफ़र को एंजॉय करो, मंजिल तो एक ना एक दिन मिल ही जानी है यार, बस सफ़र करते रहो। और ये वादियों की जो ठंडी ठंडी हवा है, कसम से इमेजिन नहीं कर पा रहे, नहीं तो तुम्हारे यहाँ पे यूँ कैमरे में डाल देता हवा। बहती हवाओं के जैसे है इरादे, उड़ते परिंदों से सीखी है जो बातें,
चला चल, इसके आगे नहीं आता है मुझे। हम ट्रैकिंग कर रहे हैं लेकिन बहुत ही स्टॉप नहीं ले रहे, अभी त्रिवेणी पहुंचेंगे, चलो आ जाओ। और तुम मिले तो वाओ, मजा एक नंबर। तो अभी काफी ऊपर पहुंच चुका हूँ और ये पीछे भाई बादल है ये सारे, और पीछे कैफे है, मैं चलता हूँ। और अभी भी कह रहे हैं 2 घंटे और लगेंगे यार, भाई मैं से नहीं चला जा रहा हूँ। ओ बहुत ऊपर है यार, बहुत ऊपर, यहाँ पे दिखेगा भी नहीं रास्ता। ओ ये देखो पीछे कुछ नहीं दिख रहा, पीछे कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है, हालत खराब हो रखी है। बस उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। नेवर गिव अप। तो अभी आधे से थोड़ा ज़्यादा कवर कर लिया हम लोगों ने, और यहाँ से, और ये देखो भाई लाइफ ये जी रहे हैं। मतलब भाई, मतलब जो फॉरेनर हैं वो लोग यहाँ पे आके यार इतना करते हैं, और हम इंडिया में रह के इंडिया नहीं एक्सप्लोर कर पाते। और भाई यहाँ बादल देखो, ऑलमोस्ट बादलों के ऊपर ही हैं, और हमको जाना है इस वाले पीक पे, जाना है इस वाले पीक पे। और लोकेश भाई के जूते फटने के कागार पे हैं। मत काट दे साले, नहीं पागल है। तो लोकेश भाई बिल्कुल यार एक्सट्रीम ट्रैवलर हो चुके हैं, और जब से इन्होंने जूते पहने हैं ये वाले। हाँ, एक्सट्रीम ट्रैवलर। तो ये कुत्ता भाई बहुत देर से पीछा कर रहा है हमारा। चलो चलो चलो, ये हमको रास्ता दिखाने का काम कर रहा है यार भगवान ने, बहुत अच्छा। और ये कैफे है, और लोकेश भाई हमारे बिल्कुल बैग पे देखो क्या लिखा, इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड। तो गाइस चढ़ते चढ़ते ऊपर इतने सारे भेड़े, ऊपर चढ़ते चढ़ते इतनी सारी भेड़े आ गई। कितनी आ रही है भाई, ये पांडे कह रही है ना ऊपर जा, जा रहा भाई। तो भाई अभी ना मतलब यार ऐसा इंसिडेंट हुआ है ना, मैंने सोचा नहीं था, और थोड़ा बाल बाल तो बिगड़ी गया, जो तो है वो तो है चीज़ें, पर भाई व्यू कसम से यार वर्थ इट हो गया। मतलब पहली पहाड़ी यात्रा जो है ना मेरी, कसम से बहुत एडवेंचरस, बहुत ही एक्सट्रीम, मतलब जितना कहा जाए ना इसके बारे में कम है यार। क्योंकि इस व्यू को देखने के बाद आप भी यही कहने वाले हो, हम आ रहे हैं त्रिवेणी यार, बहुत ही मतलब एक्सप्लोर करने वाली जगह है। सांस थोड़ी यार मेरी, मतलब ऐसा क्या है यार, मतलब कि जो मतलब अगर हमारे पास 10 किलो का बैग नहीं होता ना तो हम बहुत पहले ही पहुंच गए होते उस पे। पर 10-10 किलो का बैग लेके और यहाँ पे चन्ना वहाँ बिल्कुल यार उगने ही वाले हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत ही अच्छा। ये इस पहाड़ की बात कर रहा था मैं, और बहुत ही अमेजिंग है यार कसम से। मतलब इतनी खुशी ना भाई, आज तक मैंने जब अपनी 12th पास की होगी ना, जब नहीं हुई होगी इतनी खुशी जितनी मेरे को इस पहाड़ पे चढ़ने के बाद हो रही है यार। देखो ट्रैवल तो यही चीज है भाई, मतलब आज मैं ना ज्यादा बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि ट्रैवलिंग यार, ट्रैवलिंग ही बहुत तगड़ी है। अगर मतलब ऑफिस वगैरह यार वो तो पर इनकम सोर्स होना चाहिए, लेकिन ट्रैवलिंग लव यू यार, लव यू जिंदगी। आप कहाँ से आए भाई जी? भैया लखनऊ।
अच्छा नवाबों के शहर लखनऊ। तो भाई ऑलमोस्ट ट्रैक हो ही गया हमारा, और ये भाई है, क्या नाम है भाई आपका? पंकज। पंकज भाई है और राहुल, राहुल भाई है और हमारे लोकेश भाई है। हम चार बंदे ही बचे जो आखिरी बंदे ट्रैक कर रहे हैं ऊपर। सारे ये देखो, और अभी ऊपर चल के तो यहाँ की ये जो बर्फ पड़ी है ना भाई, मतलब बहुत ही सांस तो आ ही नहीं रही है। और हम यहाँ कहीं से आए थे, ये नीचे है ना, नीचे यहाँ से आए थे, और अभी ऊपर चल के ही करता हूँ भाई, सांस नहीं ले जा रही मेरे से भाई। देख रहे हो जो पीछे वाला पहाड़ है, उस पर बर्फ़ पड़ चुकी है। अब रात में क्या होगा इसका तो आइडिया भी नहीं लगाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। चलते हैं फिर आगे, लेट्स गो, ऊपर चलते हैं। तो फाइनली भाई ऊपर पहुंच चुके हैं, बोलने की शक्ति तो है नहीं। और यहाँ से इतना बड़ा 2750 मीटर का ये ट्रैक है त्रिवेण, और ये टेंट लगे हैं और अभी यहीं से बुक करने वाले हैं। और ये पीछे देख रहे हो धौलाधार रेंजेस है, इसमें बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गया। और जो मतलब कि एक बंदा है, गाइड है यहीं पे, उसने हमको बताया भाई कि रात में यहाँ पे भालू भी आते हैं, तो फट भी दी। अभी भाई अंदर आए हो और कुछ इस प्रकार के, ये भाई पत्थर ये कहाँ से कैसे आते हैं? भैया पत्थर तोड़ तोड़ के करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इकट्ठा करके पत्थर लगाते हैं। अच्छा, इसमें सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं? तो भाई पहाड़ों में मतलब ऐसे ही घर होते हैं, हर जगह ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, और ये भाई का एक छोटा सा किचन है, और भाई यहाँ के शेफ है। और यहाँ पे ये सारा भाई, हमने तो टेंट वगैरह लगा लिया, और ये स्टूल पे भी हम बैठे हुए थे क्योंकि भाई बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड है, इसीलिए मैं भाई के अंदर ही आ गया यहाँ पे, और भाई भी बैठे हुए हैं द नॉर्थ फेस। यहाँ पे मैगी वगैरह भी मिल जाएगी। तो भाई मस्त घर है। ओके स्लीपिंग बैग है, दो स्लीपिंग बैग दिए और एक टेंट हो गया। और हम ये घर से कंबल लाए थे, एक लोकेश भाई लाए थे और एक मैं लाया था। तो भाई अब सोने का वक्त हो गया है, तो बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मतलब 5 डिग्री के लगभग पहुँच गई। इसको देखो, शायद अगर दिख पा रहा हो तो ये चीज़ें गीली हो गई हैं, और इसके अंदर कैसे कटेगी रात ये तो भगवान ही जाने। ओके भाई गुड नाइट, और एडवेंचर भी करना है। तो भाई अभी भाई को बोला है, बात करके आते हैं। तो व्हाट्सएवर रीज़न, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप आ रही हो कि नहीं। ओके बाय।